केंद्र के बिल पर आर पार, जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन। कोरोना पर पीएम मोदी बोले, टेस्टिंग बढ़ाएं राज्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। राजस्थान के श्रीगंगानगर नई धान मंडी में किसान महापंचायत, सूफी लोक गायक कंवर ग्रेवाल देंगे अपनी प्रस्तुतियां। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है, जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है। आम पार्टी की इस फैसले पर विरोध तेज कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के साथ कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर मीटिंग की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर नई धान मंडी में किसान महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर पंजाब के जाने माने सूफी लोक गायक कंवर ग्रेवाल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन और किसान महापंचायत में किसानों को कृषि कानून के नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। महापंचायत स्थल पर सैकड़ों किसान, महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार के साहिबगंज राजमहल में विधायक नीति योजनाओं की धज्जियां बिचौलिया के द्वारा सरेआम उड़ाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने पेयजल की थोर समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही बरतने के कई गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक अनंत ओझा से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। करते हैं? नहीं। कब बनाया कुआं? साल भर हो गया, पानी एक चुटकी नहीं मिलता है। जैसे तैसे बना दिया गया है। हाँ, ऐसे खाली खोद के अपना चला गया। कौन बनाया कुआं? मुन्ना। आपका नाम क्या है? सुलेखा देवी। कौन प्रखंड पड़ता है? गढ़तला। करते हैं? नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सोंगर पुलिया के समीप एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, डीएल और रुपए बरामद किए हैं। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस उसका इलाज करवा रही है। दीदारगंज क्षेत्र की सोंगर पुलिया पर बदमाशों के साथ थाना बलेरागंज, थाना दीदारगंज और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर अभियुक्त जो कि कॉकस है और इस पर लगभग 22 मुकदमे हैं, इस पर 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। यह महाराजगंज से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। एक शातिर बदमाश है और गौकशी के लगभग 2 दर्जन मुकदमों में संलिप्त रहा है। इस पर गैंगस्ट्रैक के भी मुकदमे हैं। ये जिला बदर बदमाश भी था और थाने का टॉप 10 बदमाश भी है। आज देर रात झारखंड के साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर आमजनों को जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद डीसीसी ने आमजनों को जागरूक करने के लिए हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ को रवाना किया। उत्तर प्रदेश के गौर बाजार में शिव महापुराण कथा के शुभारंभ के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में कन्याएं और महिलाएं शामिल हुई। श्रीराम जानकी मंदिर से कन्याएं और महिलाएं जल भरकर कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान अजय कसौदन, किशन कसौदन, अजीत शुक्ला और अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की रहने वाली अध्यापिका किरण कुशवाहा किसी परिचय की मोहताज नहीं है।
दरअसल अपने 5 साल के करियर में बड़े बड़े हस्तियों से शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि आज महिलाओं का जीवन चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें चुनौतियों से मुकाबला करने का साहस है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां होने के बावजूद महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में विक्रम अपने बच्चों के साथ दीप कारपेट थाना गोपीगंज में मजदूरी का काम करता था। वहीं बीती रात वो अपनी प्रेमिका निर्मला के साथ छत पर सोने गया था। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम और उर्मिला दोनों का शव बगल के पेड़ में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ हुआ नहीं है, हम लोग सुबह 5 बजे उठे काम करने चले गए, तो लाइट चला जाता है 5 बजे, तो काम कर रहे थे तो अचानक अंकल दिखे, तो बोले तुम्हारे भैया और भाई तो लाइट लग मर गए लटक के। तो फिर हम लोग गए देखे तो देखे तो मर गए। तो फिर घर में झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रात को 8 बजे आए, खाना वाना खा के लोग छत पर सोने चले गए। उसके बाद फिर उसमें दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं तो हम नहीं जानते। रात को घर आए, खाना वाना खाए, हम सबसे मजाक वजाक किए, हम सबसे मारपीट किए मजाक वजाक में, दोनों सब सोने चले गए। फिर सुबह देखे अंकल, बोले तुम्हारे भाग भैया भाभी तो नहीं है, उनका डर के मर गया। अंकल देखे तो हम सब देखे तब सब गए देखे तब कंपनी में फ़ोन किए, अंकल जी बोले पुलिस आए तो पुलिस को पता लगा। अच्छा ये बताइए कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ पे? हम सब तो बचपन से यहाँ से यहीं पे। अच्छा कहाँ घर आप लोगों का मूल है? नेपाल है। अच्छा नेपाल। यहाँ कितने लोग रहते हैं आपके साथ? मेरे साथ में हम सब है, मेरी बुआ है। तो क्या करती है आप लोग यहाँ पे? कालीन बुनती है। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंजलि। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 27वीं यूपी बटालियन एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 159 का आयोजन किया गया। वहीं कैंप की कमांडिंग कर्नल गौरव चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट ने ओपनिंग एड्रेस आह्वान के दौरान कहा कि अभी आपको देश सेवा का अवसर मिला है, आप पूरी ताकत के साथ इसका सदुपयोग करें। राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस सिकंदरारा दाऊ में क्षेत्र में एक टवेरा गाड़ी असंतुलित होकर नहर में जा गिरी। वहीं इस दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग भरतपुर राजस्थान से अस्थि विसर्जन के लिए सोरो गंगा घाट जा रहे थे। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 लोग किसी गाड़ी से बाहर में जा रहे थे, जहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया, सभी घायल अवस्था में, 4 लोग गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार लेके आपदा रखा हुआ। कुछ इसमें बच्चे भी शामिल हैं? कुछ बच्चे हैं, 10 साल की बच्ची है, 1 साल का बच्चा है, वो खतरे से बाहर। टोटल 10 लोग घायल? टोटल 10 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोरोना वैक्सीन के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर में जागरूकता रैली निकाली। वही रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना टीका लगवाने की अपील की गई है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। आज हमारा नगर पालिका बोर्ड हाथरस जो कि कोविड में लगातार संघर्ष करके आगे बढ़ता रहा है, वो फिर आज नगर के लिए जगह जगह जनजागरण के लिए निकला है कि सभी लोग 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के हैं उनका वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है, वो आके कराएं, और 45 से 59 वर्ष के जो बीमार लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग जागरूकता के लिए निकले हैं कि सभी लोग निर्भीक होकर अपनी स्वदेशी वैक्सीन पर विश्वास करते हुए इसको लगवाएं और पूरी तरह स्वस्थ रहें। स्वच्छता और स्वस्थता दो ऐसी चीज़ें जो जीवन का मूल मंत्र है, तो हम इसके लिए नगर में घर घर जाकर प्रचार करने निकले। हमारे माननीय सभासद घर घर जाएंगे और हम नगर में इस जागरण के द्वारा विश्वास दिलाते हैं कि कोविड वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। एक पूरे देश में बिहार के समस्तीपुर NH-28 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक से घर लौटने के दौरान एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगता देख बाइक सवार सड़क पर बाइक को छोड़कर भागा और अपनी जान बचाई। दरअसल बताया जा रहा है कि नकली पेट्रोल की वजह से बुलेट बाइक के इंजन में आग लग गई, जहां स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं आग का कारण मिलावटी नकली पेट्रोल बताया जा रहा है। 7 लीटर कैसे लीटर दिया? 60 रुपए दिया तो हम पूछे थे पेट्रोल। जी पेट्रोल 60 रुपए जी। पेट्रोल पंप से बहुत सस्ता है।
वार्ड संख्या कितना था? वार्ड संख्या 10। 60 रुपये लीटर पेट्रोल दिया था? 60 रुपये लीटर दिया। कितना लीटर लिए थे? कितना लीटर लिए थे? 7 लीटर लिए थे। और घटना की कुछ ही देर बाद प्रशासन आए, उनको बोले तो बोला गया कि इसे क्या कर ले हम, और गाड़ी स्टार्ट करके चल गए। यहाँ पर रोका गया भी गाड़ी तो नहीं रुके, बोले कि जो करना है सो कर ले। हाँ। अच्छा। क्या नाम बता? किसने बोला? छोटा बाबू थे, हम नाम नहीं जानते। आपका क्या नाम? मेरा नाम संजीव है, खरपुर भैया के नाम अच्छी देता है पेट्रोल में 2 नंबर मिला के प्रशासन सब लेता है पैसा, इसी कारण वो बुलेट जरा। कब लगा है? अभी थोड़ा तो कुछ मिनट पहले लगा। कहाँ की घटना है? बस्ती बिंदी वाला गोरी है, बुझाता है। कहाँ पर? मुर्गिया चक्का। मुर्गिया चक्का है ये जगह, मुर्गिया चक्का है। सब पुलिस वाला पैसा लेता है। कौन गाड़ी है? लीटर 7। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।